सो रे गाइस, कैसे हो आप लोग? काफ़ी बढ़ेंगे तो गाइस आगे ही बढ़े हैं। तो गाइस 2-3 दिन हो चुका है, जैसे कि यहाँ पर आप अपना फोन पे पर जाके यहाँ पर अपना बैलेंस चेक करने की कोशिश करते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप चेक बैलेंस के ऊपर क्लिक करते हो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता है या तो गाइस जो भी है उसके ऊपर आप क्लिक कर रहे हो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना पासपोर्ट को दे रहे हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ तरह। जैसे आप यहाँ पर आप अपना पासपोर्ट को टाइप करते हो, पासपोर्ट टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको 2-3 बार यह चक्रा घूमता है। घूमने के बाद यहाँ पर आपको टेक्निकल एरर या तो गाइस टेक्निकल कुछ टाइप का मैसेज शो हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, योर रिक्वेस्ट फेल डू टेक्निकल इशू, प्लीज ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम। यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे की तरफ, यहाँ पर री एंटर UPI पिन, यहाँ पर आप देख कुछ टाइप यहाँ पर जैसे कि मैसेज शो हो जाता है। और गाइस आपके साथ भी ये प्रॉब्लम शो हो रहा है, और गाइस यहाँ पर आप डोंट के ऊपर क्लिक करते हो तो गाइस अपना फोन पे का बैलेंस चेक नहीं होता है। तो गाइस आप फिर भी कैसे अपना फोन पे का बैलेंस चेक कर सकते हो, इस प्रॉब्लम को कैसे आप ठीक कर सकते हो, आज का इस वीडियो बताऊंगा। काफ़ी बढ़िया वीडियो होने वाला है। और गाइस हाँ, इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस चलो मैडम वॉच करते हो अपना फोन पे का बैलेंस को चेक कैसे किया जाए अभी आपको बताऊंगा। तो गाइस आपको सबसे पहले तो क्या करना होगा, यहाँ पर अपना प्ले स्टोर में जाना है। और गाइस अपना फोन पे का यहाँ पर कुछ अपडेट आया है तो गाइस सबसे पहले अपडेट कर देना है। यहाँ पर प्ले स्टोर में जाना है और गाइस यहाँ पर आपको सर्च कर देना है फोन पे। जैसे यहाँ पर मैं फोन पे सर्च करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर अभी फिलहाल यहाँ पर फोन पे पर कुछ अपडेट आया हुआ है। तो गाइस सबसे पहले आपने यहाँ पर फोन पे को अपडेट कर देना होगा आपको कुछ तरह। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारा प्रॉब्लम होता है, जैसे कि फोन पे अपडेट करने के बाद ठीक हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने अपना फोन पे को अपडेट पर लगा दिया हूँ। और गाइस आपका यहाँ पर जैसे फोन पे अपडेट हो जाए, होने के बाद यहाँ पर अपना फोन का सेटिंग पर जाना होगा। सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ तरह सेटिंग ओपन हो जाएगा। तो गाइस थोड़ा नीचे जाना तो गाइस यहाँ पर आपको मिलेगा ऐप्स मैनेजर, ऐप लिस्ट को भी मिल सकता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा जैसे कि ऐप्स है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, आपका यहाँ पर नहीं मिलता है। तो गाइस आप ऊपर सर्च कर सकते हो, यहाँ पर आपको ऐप्स को सर्च करना होगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो आपको यहाँ पर ऐप्स का सेटिंग मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। और गाइस यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे जाना तो गाइस यहाँ पर आपको मिलेगा फोन पे, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे फोन पे मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। और गाइस यहाँ पर आपको फोन पे नहीं मिलता है तो गाइस आप ऊपर सर्च कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप कुछ तरह जैसे यहाँ पर आपको फोन पे मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। और गाइस क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्टोरेज बैटरी मिलेगा, तो गाइस आपको यहाँ पर स्टोरेज के ऊपर क्लिक करना है। और गाइस यहाँ पर आपको क्लियर कैचेस करना है, यहाँ पर आपको क्लियर डाटा नहीं, क्लियर कैचेस करना है आपको ओनली। कुछ इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी साइट का पावर बटन है उसको क्लिक करके रखना है थोड़ा देर। तो गाइस यहाँ पर आपको जैसे कि रीस्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना। तो गाइस आपका फोन एक बार स्विच ऑफ होगा, उसके बाद ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप अपना फोन पे पर जाके उस जैसे कि आपने बैलेंस चेक करने की कोशिश करते हो तो गाइस आपका बैलेंस चेक हो जाएगा। फिर भी गाइस चेक नहीं होता है तो गाइस ये टेक्निकल इशू है, थोड़ा देर बाद ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो गाइस चलो आज का इस वीडियो में कुछ इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।